नमस्ते, मैं हूँ आपके स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सक। क्या आप जानते हैं, कोरोना के सफल इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लक्षणों की जल्दी ही पहचान हो और सही चिकित्सा समय से मिल सके। ग्रामीण स्तर पर इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी अपनी आशा बहनों की। जैसे कि आप जानते हैं, कोविड काल में आशा बहन ग्रामीण स्तर पे सही जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत है। आइए अब मैं आपको ग्रामीण स्तर पर आशा बहन की ILI संबंधित परीक्षण और स्वास्थ्य सेवा हेतु जिम्मेदारियों के बारे में बताती हूँ। आशा बहन द्वारा ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के लक्षणों वाले मरीजों की पहचान कर उनका परीक्षण किया जाएगा और आवश्यक परामर्श, रेफरल और उपयुक्त कार्यवाही हेतु कंट्रोल रूम को सूचित किया जाएगा। आप समझते हैं ना, ILI लक्षण क्या होते हैं? अगर किसी व्यक्ति को पिछले 10 दिनों में 101 डिग्री सेल्सियस से अधिक बुखार हो, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो, तो ये ILI लक्षणों यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की श्रेणी में आएगा। आशा बहन गृह भ्रमण के दौरान हर घर के हर सदस्य के स्वास्थ्य और इन लक्षणों के बारे में जानकारी लेंगी। जिन सामुदायिक समूहों की जानकारी पर वह सबसे अधिक प्राथमिकता देंगी वह है एक ILI लक्षणों वाले बुजुर्ग, बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं एवं वे लोग जिन्हें दूसरी बीमारियां हों, जैसे कि उक्त रक्तचाप, मधुमेह, गुर्दे या किडनी की बीमारी इत्यादि। ऐसे सभी हल्के लक्षण एवं उच्च जोखिम वाले समूह जो सीधे तौर पर COVID-19 से ग्रसित मरीज के संपर्क में आए हों, जैसे परिवार में या कार्यस्थल पर संपर्क आदि। 3, ऐसे सभी व्यक्ति जो पिछले 14 दिनों में यात्रा से लौटे हों और उन्हें ILI लक्षण हों। 4, ऐसे सभी प्रवासी या अन्य लोग जो बीमारी ठीक होने के 7 दिनों के भीतर गांव में लौटे हों। 5, सभी स्वास्थ्यकर्ता, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो अति संवेदनशील क्षेत्रों में कोरोना बीमारी को फैलने से रोकने में मदद कर रहे हैं या पिछले 10 दिनों में इस प्रकार के कार्यों से जुड़े हों और उनमें ILI लक्षण हों। 6, ऐसे व्यक्ति जिनके रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ILI लक्षण विकसित हो रहे हों। 7, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो ILI लक्षणों से ग्रसित हों और स्वयं आशा के पास अपनी जांच के लिए आए हों। ऐसे में ग्रामीण स्तर पर आशा द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में शामिल है, 1, आशा द्वारा घर घर भ्रमण कर ILI लक्षणों की पहचान कर उनकी जांच, आवश्यक परामर्श और रेफरल करना। 2, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन नापना और फॉलो अप पर विशेष ध्यान देना। 3, लैब में जांच के उपरांत ILI लक्षणों की पुष्टि वाले सभी मरीजों को आशा द्वारा ब्लॉक PHC, CHC पर रेफरल करना और इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को देना ताकि उन्हें सही इलाज मिल सके। 4, जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक गतिविधियों का नेतृत्व करना। 5, प्रत्येक 10 या 15 परिवारों के लिए सामुदायिक स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति की पहचान कर निरंतर संचार स्थापित करना। पंचायत स्तर पर सामूहिक भागीदारी और जिम्मेदारी बहुत आवश्यक होगी। 6, ILI लक्षणों की पहचान और निगरानी के लिए ग्राम स्तरीय निगरानी दल, जन प्रतिनिधि, वार्ड पंच की सहायता से हर 10 घरों पर एक स्थानिक निगरानी सदस्य की पहचान की जाएगी जो कि समय रहते ILI लक्षणों से ग्रसित मरीजों की पहचान करने में आशा बहन का सहयोग करेंगे ताकि उन्हें सही इलाज मिल सके। 7, ग्राम पंचायत समिति द्वारा दीवार लेखन, मुनादी जैसे विभिन्न माध्यमों से
प्रचार प्रसार कर समुदाय को ILI लक्षणों की पहचान और निगरानी हेतु जागरूक किया जाएगा, ताकि वे आवश्यकता के समय स्वयं आशा बहन से संपर्क कर अपनी जांच करा सकें। आशा बहन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और समुदाय के सहयोग से हम कोरोना को हराने में सफल भी हो सकेंगे। याद रखें, दवाई भी कड़ाई भी।